हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइबर एडवाइस विद अ न्यू टॉपिक। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आधार कार्ड को डाउनलोड करने के प्रोसेस के बारे में और आधार कार्ड के पीडीएफ का जो पासवर्ड होता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम जानेंगे आधार कार्ड को अगर आपने नया बनवाया उसकी स्लिप मिली है आपको और उस स्लिप के थ्रू कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि दो तरीके होते हैं आपको आधार कार्ड को डाउनलोड करने के। या तो आप आधार नंबर से या वर्चुअल आईडी से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो है आप दूसरा तरीका स्लिप से कर सकते हैं। जिनका नया बना है वो तो स्लिप से ही करेंगे और जिनका पुराना है वो आधार नंबर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं पर्ची से डाउनलोड करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप पर्ची से डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ा ही इजी सा प्रोसेस है, आप अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना गाइस और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि किसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं चैनल पर वीडियो डालता रहता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट गाइस और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में खोल लेना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप दोस्तों डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं uidi.gov.in, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, कॉपी करके आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, ताकि आप जो है अगर आपको सर्च करने में प्रॉब्लम आए तो डायरेक्ट इस लिंक को कॉपी करके इस पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाना है, यहाँ पर डाउनलोड आधार वाला ऑप्शन देख रहे हैं, डाउनलोड आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपके सामने आ गया आपको आधार नंबर डालने का ऑप्शन। यहाँ पर तीन ऑप्शन है, आधार नंबर, इनरोलमेंट नंबर और वर्चुअल आईडी, तो जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो दोस्तों, इनरोलमेंट आईडी यानी कि पर्ची से डाउनलोड करने के लिए हमें इनरोलमेंट आईडी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और अब यहाँ पर आपको पर्ची देख कर डालना है। तो इनरोलमेंट नंबर तो बिल्कुल सेम टू सेम वही डाल देना है आपको, और उसके बाद जो डेट और टाइम जो डालेंगे उसको ध्यान रखना है आपको, वो जो है उल्टा डालना है। जैसे कि आपका डेट और टाइम है आपका 2 अगस्त 1998 अगर डेट है, तो पहले 1998 टाइप करेंगे, फिर अगस्त यानी कि 08 टाइप करेंगे, फिर 02 टाइप करेंगे, और जो टाइम है वो उसी तरीके से टाइम टाइप कर देंगे। फिर कैप्चा कोड डाल के OTP को यहाँ पर फिल कर देना है, और OTP को फिल करके ही आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और आधार कार्ड डाउनलोड होने के बाद जो उसका PDF का फाइल का पासवर्ड जो होगा वो गाइस आपके नाम के स्टार्टिंग के 4 वर्ड और आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर। जैसे कि अगर नाम है रोहित कुमार तो ROHI कैपिटल में ROHI स्टार्टिंग के 4 वर्ड, और अगर डेट ऑफ बर्थ है 2/3/1995 तो 1995 ROHI 1995 आपका पासवर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अब इसे आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं पर्ची से और इसका पासवर्ड फिल कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर सिंपली OTP डाल के वेरीफाई एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपका आधार कार्ड जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पर जो है गाइस आप अपने नाम के पास यहाँ पर PDF का पासवर्ड का सैंपल भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ, योर नेम इज अनीस वाई कुमार, ईयर ऑफ बर्थ इज 1989, तो देन योर आधार पासवर्ड इज अनीस 1989, यानी कि स्टार्टिंग के 4 वर्ड नाम के और डेट ऑफ बर्थ का ईयर। इस तरीके से आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।